आउटपुट देख सकते हैं, मतलब कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये स्टॉक था और स्टॉक का हालत आप लोग देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अभी हम निकल चुके हैं ग्रिनी के ऊपर कस्टमाइजेशन के लिए। थोड़ा बहुत आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आ चुका है ग्रिनी का, तो वो आज फिटिंग होगा और क्या क्या आया है वो आपको पूरा वीडियो में पता चलेगा। देखने में पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रॉ फुटेजेस और अपडेट इंस्टाग्राम में ही देते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी नाम आ रहा है, राइडर बॉय रियाज। जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम में जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। अभी हम लोग जाएंगे आदेश भैया के पास, वहाँ पर जाके ग्रिनी का जो कोई भी सामान आया है ये सब कुछ लगवाएंगे। तो चलिए जल्दी जाके देखते हैं कि ग्रिनी का क्या क्या मतलब आफ्टर मार्केट फिटिंग होने वाला है। मैं तो इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसको लगाने के बाद ग्रिनी को देखने में बहुत अच्छा लगेगा और परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि क्या क्या चीज़ आया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या क्या चीज़ आया है, मतलब अभी कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। लगभग आदेश भैया के पास हम पहुंचने वाले हैं और जाते वक्त जॉय भाई का शोरूम होके जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो आया है वो जॉय भाई का शोरूम में रखा हुआ है सुरजॉय के पास। तो चलिए पहले जाके सुरजॉय से मिलते हैं, सब प्रोडक्ट लेके फिर जाते हैं आदेश भैया के पास। तो अभी पहुंच चुके हैं जॉयस बाइक पॉइंट में और चलिए अंदर चलते हैं और जाके सूरजॉय से अपना सामान लेते हैं, और उसके बाद आदेश भैया के पास भी जाना है, उसको लगवाना भी है। हाय सूरजॉय। हाय, बोलो। तो मेरा सामान आ गया है, सब सब आ गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर निकल दो तुम सब सामान। ब्रेक पैड्स, अच्छा, तुम्हारा लाइट, ओके, एयर फिल्टर, अच्छा, तुम्हारा इजी ग्रिप, इससे हम तेज चलाएंगे तो ग्रिप होगा, इससे आवाज ठीक होगा। और तुम्हारा गाड़ी अभी तक इतना दिन तक सांस अच्छा छोड़ रहा था, हाँ, सांस ले नहीं पा रहा था, तो इससे अच्छा सांस लेगा, अच्छा सांस लेगा, और इससे तेज से देखेगा, तेज से देखेगा, रोशनी ज्यादा होगा क्या, और इससे हम तेज भगो ज़्यादा जल्दी रोक पाएंगे। अच्छा, तो ये EBC का ब्रेक पैड, अगर ये किसी को चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में सूर्यजॉय का नंबर दे दूंगा, तो उसे कांटेक्ट कर लेना। और उसके साथ साथ नाइट आई का लाइट भी आया है मेरा, ओहो बहुत अच्छा है, ग्लव्स दे रहा है ठंडा का मौसम में, इसको पहन के हम 10 आवर चलवाएंगे। और नाइट आई का लाइट, रोशनी तेज होगा इसमें, बहुत तेज होगा, ओके, तो अच्छा ही है। चलिए सब लेके आदेश भैया के पास चलते हैं और जाके सब कुछ फिटिंग करवाते हैं बाइक में, और फिर उसके बाद देखने में कैसा लगता है वो आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी का प्रोसेस सब कुछ। तो जो जो भाई को जो कुछ भी एक्सेसरीज लगेगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बाहर में ये सब हेलमेट और बूट्स, यहाँ पर जैकेट्स, ये सब रखा हुआ है, तो ये सब कुछ सूर्यजॉय देखता है ये डिपार्टमेंट। तो आप लोगों को नंबर मिलेगा वहाँ पर, आप लोगों को एल्पाइन स्टार, डाइनीजी, उसके साथ साथ DSG सबका सब कुछ मिलेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर बिलमोला का हेलमेट भी है, एग्जॉर है, और बाकी यहाँ पर BBG का बूट है, और उसके साथ साथ यहाँ पर AGV का भी हेलमेट है। तो आप सभी लोगों को ये सब मिल जाएगा, तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में नंबर में आप लोग फ़ोन करके कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हैं कि इस सब एक्सरसाइज का क्या प्राइस है क्या नहीं है, और मेरा नाम बोलने से थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए ग्रिनी को स्टार्ट करते हैं और आदेश भैया के पास चलते हैं।
लगने का प्रोसेस चल रहा है, मतलब अभी सामने का डिक्स खोला जाएगा, फिर उसके बाद ये जो ब्रेक पैड है ये लगवाया जाएगा सामने। इसमें एकदम में कुछ भी नहीं बचा है, देखिए पूरा ख़राब जैसा हो गया था। तो अभी नया वाला ब्रेक पैड लग रहा है, देखिए। तो अभी ये एयर फिल्टर लगेगा BMC का, जिसमें मेरा ग्रीनी अच्छे से सांस ले पाएगा। तो ये स्टॉक था और स्टॉक का हालत आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, देखिए। तो ये प्लेट खोलने के बाद ये वाला प्लेट लगवाया जाएगा। ये प्लेट कैसा हुआ है देखने में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने हम लोगों का कस्टम कोटिंग, मतलब फिरोज़ भैया का जो वर्कशॉप है वहाँ से किए थे रेडी, इसको फिरोज़ भैया करके दिया था हमको। तो अगर किसी को करवाना है ऐसा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा फिरोज़ का, उसे कांटेक्ट कर लेना। तो गाइस अभी न्यू नंबर प्लेट लग चुका है बाइक पे। तो अभी इसमें लग गया इजी ग्रिप, आप 299 मार सकते हैं इसके, ये आपको ग्रिप देगा, है ना मेराज? 299 मारने से ये आपको ग्रिप देगा, इजी ग्रिप लग गया है और उस साइड में भी लग गया है। तो हो गया ऑल कंप्लीट। अभी इसमें लास्ट एक बाकी है विंग्स लगाना, वो बहुत जल्दी आएगा, फिर उसके बाद लगवाएंगे। तो सारा सामान लगाते लगाते बहुत लेट हो चुका था और अभी बज रहा है 10, मतलब अभी 10 बज रहा है रात का और मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है। और नाइट आई का लाइट जो है उसका आउटपुट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा लाइट उभर के आएगा मुझे मालूम नहीं था। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कर दीजिएगा। नीचे स्क्रीन पे नाम आ रहा है राइडर पर याद, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम गाइज। चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ और वीडियो को और लंबा नहीं खींचते। आज का वीडियो बस यहीं तक है, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से अच्छा वाला वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।